नमस्कार फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनधारियों की मांग 7,500 प्लस की जल्द पूरी होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना, आप सभी की मांगें हैं वो अब जल्दी पूरी होने वाली हैं। इसके लिए एनएससी के नेता वरिष्ठ जो कि अशोक जी रावत और अन्य नेतागण आप सभी के साथ हैं और विभिन्न तरह के मुख्यमंत्रियों और सांसदों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। और मेरे हिसाब से लग रहा है कि जल्दी जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है वो भी जल्दी आ जाएगा और आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी होना संभव क्या बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से आप सभी के संघर्ष और प्रयासों के कारण जल्दी आपको ये 7,500 प्लस भी प्लस मेडिकल सुविधा का लाभ जल्दी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी लगभग 4.5 वर्षों से संघर्षरत हैं और आप सभी ने कई जगह अनशन की, कई जगह धरना प्रदर्शन भी किए और अलग अलग जगह अपनी अपनी वो जो आप कर सके आपने किया, और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाएगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और जल्दी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। आप लोग बिल्कुल भी निराश न हो, मैं जानता हूँ आप सभी वृद्ध हैं, 65 एज के ऊपर के हैं, क्योंकि आज के टाइम में 1,000 या इससे कम में कुछ नहीं आता है। कुछ पेंशन ऐसे भी हैं जिनको 1,000 रुपये या कुछ ऐसे भी हैं जिनको 1,000 से भी कम पेंशन मिलती है। तो मैं सोचता हूँ कि आज के टाइम में 1,000 या 2,000, कम से कम 7,000 मिले तो भी कम ही है, क्योंकि आज के टाइम में 1,000 से कम है तो कुछ नहीं आता है। मिनिमम कम से कम 7,500 प्लस मेडिकल सुविधा तो मिलनी ही चाहिए और आपकी ये मांग बिल्कुल जायज है और आपको ये जल्दी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।